Hello everyone, sorry there was some problem in the net or I think kuch volume ka problem tha. So let's get jump to beauty by Abha Arora. And today we are going how to make inexpensive jewelry and that too customize according to your likes, according to your dislikes. So guys, if you are there, please like and share my video. So let's get started. सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमको चाहिए इस तरीके का बॉक्स. This was coloring box, hair color का बॉक्स था. और मैंने जैसे केलॉग्स के बॉक्सेस होते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं. जैसे जो भी आप ये समझ लीजिए, हमें बहुत ज्यादा थिक नहीं चाहिए. हमारे को ऐसा चाहिए जिससे कि बस थोड़ा सा पतला सा हो. ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 3x4 का मैंने एक रेक्टेंगल. तो सबसे पहले हम 3x4 का एक रेक्टेंगल. दिस इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ आर पेंडेंट. बहुत इजी है और बहुत मजा आता है. You will just love it. And by the way, happy Teacher's Day to everyone. Okay. इस तरीके से निकाला. अब next inexpensive चीज हमें क्या चाहिए? Next inexpensive चीज है हमारे पास बुकरम. बुकरम क्या होती है? बुकरम होती है, हेलो कल्पना जी, बुकरम होती है टू कीप कॉलर स्टिफ. जब हमारे जो कॉलर्स बनते हैं, जो हमारे जब टेलर्स जो होते हैं उसको जब उनको कॉलर्स बनाने होते हैं, देन दे यूज दिस बुकरम. तो हमने ये कार्ड लिया, ये जो हमारा हार्डबोर्ड था, एंड देन मैं लूंगी फेविकॉल और उसके साथ मैं लूंगी थैंक यू कल्पना जी, हैप्पी टीचर्स डे. वी ऑल आर टीचर्स इन वन और द अदर वे. ओके, अच्छे से फेविकॉल लगा लिया और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा लेकर चलना है इस तरीके से, सो दैट मैं इसको कवर कर पाऊं. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसके बाहर बाहर वाला मैं कट करूंगी. गाइज, इफ यू आर हियर प्लीज ड्रॉप अ हाय. इस तरीके से हो गया. बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है हाथ से, दबा दबा के, सो दैट बहुत अच्छे से ये इसके साथ चिपक जाए. ओके, नाउ व्हाट, जैसे हम बुक्स के ऊपर कवर करते थे जब हम छोटे थे, तो बस उसी तरीके से कॉर्नर्स कट करने हैं. अच्छा, थोड़ा सा मेसी वर्क है क्योंकि जो फेविकॉल है ये आपके हैंड पर लगेगी. एंड देन कट किया लाइक दिस. ये हमको नहीं चाहिए, वी कैन थ्रो इट. और अब हमको फेविकॉल फिर लगानी है इधर. श्वेता गुप्ता जी, विच क्लोथ इज दिस? दिस क्लोथ इज बुकरम. आपको किसी भी टेलरिंग गेट टेलरिंग मटेरियल, ये कॉलर्स और
जो सलवार बनती है उसके अंदर अगर आपको स्टिफ करने के लिए ये यूज होता है, और अगर आपने ये नहीं देखा है यू कैन चेक इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैंने इसी तरीके से मैंने होममेड कैनवस भी बताया था कि किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कैनवस। जंक टू ब्यूटी में मैं आपको सारी चीजें मैं DIY बताती हूँ, क्योंकि जितना इनएक्सपेंसिव तरीके से काम हो जाए, हम अपने घर को सजा सकें और जितना रिसाइकिल कर सकें, तो उससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा पेंडेंट बन गया है, ठीक है। बट हमको इसको ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा। इसको ड्राई करेंगे और इसके ऊपर जैसो क्या होता है, जैसो होता है इक्वल अमाउंट ऑफ फेविकॉल, इक्वल अमाउंट ऑफ पाउडर एंड एक्रेलिक कलर, व्हाइट एक्रेलिक। हम व्हाइट जैसो बनाते हैं, उससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से एक आपको स्टिफ आपको एक कैनवस की तरह मिल जाएगा, एंड देन यू कैन पेंट इट। सो मैंने रेडी करके रखा हुआ है, आई विल शो यू माई रेडी वंस। इस तरीके से मैंने रेडी करके रखे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब किस तरीके से मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर, मैं आपको आज बहुत 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 इजी वाला बताने वाली हूँ। सो व्हाट आई डू, आई टेक फ्यू एक्रेलिक कलर्स विद मी, और बहुत ही सुंदर सुंदर वाले कलर्स, नाउ द वंस विच आर वेरी ब्राइट। ये लिया और साथ में आई थिंक ऑरेंज विल लुक गुड, दिस पिंक एंड लेट्स से व्हिच कलर इज दिस, रेड, ठीक है। अब हमने लिया ब्रश और what should I explain? Please tell me what you want me to explain. Thank you, Aramika ji. What you want me to explain? Okay. So, अभी हम लोग बिल्कुल abstract बनाने वाले हैं। I'll take blue color. इसके ऊपर मैंने जैसो लगा रखा है, ठीक है। जैसो कैसे लगता है, कैसे बनता है, you can check it on my YouTube channel. और अब मैं कलर्स को मैं मिक्स नहीं, मैं वॉश नहीं कर रही हूं मैं ब्रश को, और मैं इसी तरीके से I'm just mixing the colors. Okay. Now I take some orange here. This way. Guys, please share the video. इस तरीके से किया. Then I feel थोड़ा सा मैं इधर लेती हूँ। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल भी कलर को मैं वॉश अपने ब्रश को मैं वॉश नहीं कर रही हूँ। और जब मैंने ऑरेंज एंड ब्लू को मैंने मिक्स किया तो वो बहुत ही सुंदर सा ब्राउन कलर बन गया है। मेरे को ये बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये मैं कहीं और भी यूज करूंगी। अच्छा लग रहा है ये, ओके। अभी क्योंकि ये ब्राउन बन चुका है तो अब मुझको ब्रश मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, एक बार ब्राउन बन गया देन उसका कुछ नहीं कर सकते हम। नाउ अगेन आई टेक आई थिंक आई कैन टेक रेड कलर हियर।
Is it visible? यहाँ पे रेड लिया मैंने, इधर भी थोड़ा सा मैं रेड ले रही हूँ, उसके साथ थोड़ा सा उसका, देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनेगा. सो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग कलर्स, किस तरीके से यहाँ पर हमारे कलर्स क्या बनने वाले हैं. एंड बिलीव मी इट इज गोइंग टू लुक वेरी नाइस. थोड़ा सा ऑरेंज ले लिया, देन उसी के साथ थोड़ा सा रेड ले लिया. आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा सा मिक्सचर बन रहा है और ये बहुत ही सुंदर एब्स्ट्रैक्ट बनेगा. और इसके ऊपर जब हम अपना कोई भी मोटिव बनाएंगे then it will look beautiful. अनामिका जी क्या पेस्ट किया है मैंने? मैंने कार्डबोर्ड लिया है, एक पतला वाला कार्डबोर्ड, उसके ऊपर मैंने बुकरम लगाया है. बुकरम के ऊपर मैंने इसको थोड़ा सा, वैसे आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास जैसो नहीं है या अगर आप बनाना नहीं चाह रहे हैं तो आप सिर्फ व्हाइट एक्रेलिक करके आप बेस बना के रखिए. मैंने इसको इसलिए बना दिया बिकॉज फिर ड्राई होने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने बना के रखा था. सो दिस वे इट इज डन, हमारा बेस बिल्कुल रेडी हो चुका है. दिस इज डन. और मैं आपको बार बार बताती हूँ कि एक्रेलिक कलर्स को बिल्कुल साथ साथ में आप बंद कर दीजिए, अदरवाइज ये ड्राई हो जाते हैं. अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर अब हम ब्लैक कलर लेंगे. ब्लैक कलर ले लीजिए या कोई भी और डार्क कलर ले लीजिए, वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है. तो मैंने और साथ में मैं लूंगी बहुत ही पतला सा, मैं यहाँ पर स्पॉन्ज, स्पॉन्ज लिया और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रीन नंबर 6 डार्क ग्रीन. खोला और बिल्कुल एजेस पर बहुत थोड़ा सा मैंने ये लिया है और उसको मैं एजेस पर इस तरीके से कर दूंगी. बिलीव मी इट इज गोइंग टू लुक वेरी नाइस. मेरे को बहुत मोटी लाइन नहीं चाहिए, मेरे को बहुत ही सटल सा मेरे को चाहिए कि बस ऐसा लगे कि एजेस पे कुछ कलर है बट नहीं भी है. हमारा पेंडेंट का बेस रेडी हो गया है. दिस वे. अभी जब मैं आपको पूरा रेडी करके दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर ये दिखने वाला है. अच्छा, मैंने यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज करे हैं. हाय रूपाली. और मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स यूज करे हैं. यू कैन यूज मेटालिक कलर्स एज वेल, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो यहाँ पर और मेटालिक से भी बहुत सुंदर लगता है. और यू कैन यूज मिक्सचर. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू टेक ब्लैक कलर. ओके, ब्लैक कलर लिया और बिल्कुल
patla brush. और साथ में इसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर वर्ली. वर्ली इसलिए बना रही हूँ यहाँ पर बिकॉज पीछे जो है मेरा बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे कोई डिजाइन तो मैं नहीं बना सकती थी, बट वर्ली की सॉलिड शेप जब बनेगी तो बिकॉज ब्लैक सॉलिड कलर यूज कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से विजिबल होगी. वर्ली इज टू इन दीज डेज. ठीक है, यहां पर बना दिया और इसके साथ एक और बना देते हैं यहां पर. माई यूट्यूब चैनल दैट इज जंक टू ब्यूटी बाय आभा अरोड़ा, और वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें मैंने अपलोड करी हैं आप लोगों के लिए इनएक्सपेंसिव तरीके से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. और मैं ऑलमोस्ट सेम बना रही हूँ और ये इतना सुंदर लगता है, ये आप अपने फ्रेंड्स को आप दे सकते हैं और ये बहुत ही प्रिटी लगता है. इधर एक गर्ल बना देते हैं. सो ऑलमोस्ट देयर. अब अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं. अगर आपको बैकग्राउंड इसका जो हमने बैकग्राउंड बनाया है जो एब्स्ट्रैक्ट बनाया है अगर आपको वहीं पर छोड़ना है आप वहीं पे छोड़ सकते हैं, या अब हम क्या कर सकते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं. व्हाट आई विल डू, आई हैव दीज फेविक्रिल 3D आउटलाइनर्स. अगर आपको ये भी अगर आपको घर पर कैसे बनाने हैं मैंने इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं. और अब मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने ये बनाया है इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैं कुछ कुछ पैटर्न बना लूंगी. जो एब्स्ट्रैक्ट है एब्स्ट्रैक्ट तो हमारा सुंदर ही तब लगेगा जब उसके अंदर कुछ कुछ काम हुआ होगा. राइट, यहां पर बना दिया. एंड दीज लुक so beautiful. मैं जल्दी ही आपको पोस्ट करूंगी. और साड़ीज के साथ ये इतने प्रिटी लगते हैं और जब आप खुद बनाते हैं तो जो हैप्पीनेस है वो अलग होती है. और कुछ कुछ इस साइड पे भी बना देते हैं इसको इस तरीके से. ये जब ड्राई होता है ये वाला एंटी गोल्ड है, ये दिस इज एंटी गोल्ड नहीं दिस इज ओनली गोल्ड. ये बहुत ही सुंदर ड्राई होता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है ये. मैं अभी आपको मैं अपने रेडी वाले दिखाऊंगी कि ये किस तरीके के लगते हैं. ये बहुत प्रिटी लगते हैं ड्राई होकर. और आपने देखे होंगे मार्केट में ये इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं और जब खुद को बनाना आता है ना तब तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लगनी भी शुरू हो जाती है. और आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं.
एब्स्ट्रैक्ट के साथ हम और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग कर रहे हैं, टेक्सचर डाल रहे हैं। मैं गोल्डन से कर रही हूँ, आप किसी और कलर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तब तक मैं आपको और दिखाती हूँ कि और हम क्या बना सकते हैं। मैं थोड़ा आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरीके का लग रहा है। अगर कैन यू सी, आई होप इट इज विजिबल। ओके, इस तरीके से लगने वाला है। जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको और दिखाऊंगी कि अभी इसको हम थोड़ी देर रखते हैं, तब तक मैं आपको और सैंपल्स दिखाती हूँ, क्योंकि इसको अभी हमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है। मुझे थोड़ा सा इसके बॉर्डर्स वगैरह बनाने हैं, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या बना रखा है। मैंने ये बनाया है, दिस इज माई दीज आर माई इयर रिंग्स, जो कि कस्टमाइज बनाए हैं। इनफैक्ट जो ये बीड्स हैं, ये बीड्स भी मैंने अपने आप घर पर ही बनाए हैं यूजिंग माई पेपर मैशी ट्रेडिशनल क्ले। यू कैन चेक दैट ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैं आपके सामने बताती हूँ कि किस तरीके से बन सकता है। ये भी पेपर मैशी की ही प्लेट है और इसके अंदर मैंने खूब सारे मैंने बीड्स बना के रखे हुए हैं। स्टिल आई विल शो यू कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये मेरे पास क्ले है और इसको मैं हमेशा मैं उसी में रखती हूँ, पॉली बैग में, बिकॉज दिस इज एयर ड्राई। थैंक यू अनुराधा, ठीक है। इसको बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन इसको मैंने ऐसे मैंने बीड बनाया। एंड देन कुछ भी, यूजुअली आई टेक वन टूथपिक, बट अभी अवेलेबल नहीं लग रहा है मेरे को, सो मैं इसका बैक लेकर ब्रश का बैक लिया और इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। एंड माय बीड इज रेडी। इस तरीके से बना के रख लीजिए और बहुत ही ज्यादा ये प्रिटी, और किसी भी तरीके की बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्ग बीड्स बनाए हैं, मैं आपको एक लॉन्ग बीड भी बना के दिखा देती हूँ और उसके ऊपर किस तरीके से हम टेक्सचर बना सकते हैं। आई विल शो यू अगेन। मैंने क्ले लिया और इस तरीके से मैंने इसको रोल कर लिया, ठीक है। देन मैंने लिया और इससे मैं इसके ऊपर मैं रोल कर लूंगी। अगर आपको बहुत मोटा अगर नहीं चाहिए तो शेप बनाया, और थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि क्ले किस तरीके से बिहेव करे कभी कभी कुछ नहीं पता होता, बिकॉज दिस इज होममेड क्ले, हमारी पॉलीमर क्ले तो नहीं है। ये बन गया। अब क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी लेकर हम इसके ऊपर डिजाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट लाइन्स ऑन इट, हम इस तरीके का टेक्सचर दे सकते हैं इसके ऊपर, और जब हम कलर करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर बीड बनेगा, ठीक है। I simply love this clay, very inexpensive और बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे ये, बहुत ही, अगर आपको आवाज आ रही हो, ये बहुत ही स्टर्डी है और
और उसके बाद आप इनको इस तरीके से कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। अब हम इसको लेकर चलते हैं, अब इसको एक्सटेंड करते हैं। आई होप नहीं अभी ड्राई नहीं हुआ है, बट स्टिल हम इसको अभी लेकर चलते हैं। मेरे पास ये पॉम्पॉम वाली पॉम्पॉम लेस है मेरे पास, तो इसके साथ मैं इसको एक्सटेंड करूंगी। थैंक्स अनामिका। और साथ में मैं लूंगी यहाँ पर, मेरे पास है फैब्रिक ग्लू। आप यहाँ पे फेविकॉल भी ले सकते हैं, बट अगर है आपके पास तो आप इसको यूज कर लीजिए। एंड देन फेविकॉल ये लिया, ग्लू लिया और इस तरीके से लगाया, और नीचे इसको लगा दिया। आप ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन स्टेप अवॉइड दिस स्टेप, बट यस इट लुक्स गुड। और एक्स्ट्रा को हमने यू कट कर लिया मेरे, क्योंकि अभी ये वेट है कोन वर्क, वो खराब हो रहा है। हो गया। एंड पेंडेंट इज रेडी, अब इसको हैंग किस तरीके से करना है आई विल शो यू। आपको चाहिए अमेज़न से मिल जाते हैं आपको ये ज्वेलरी मेकिंग का जो सामान होता है, दिस इज फ्रॉम अमेज़न ओनली, उसी का पैकेट निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको इयर रिंग्स के लिए भी आपको मिल जाएंगे हैंगिंग के। थैंक्स कीर्ति। नाउ व्हाट, एक कंपास लिया और इसके सेंटर में होल करेंगे। तो अगर ये मेरा, मैं इधर ऐसे रखती हूँ, अगर ये मेरा 3 inches है तो मैं 1.5 पर मैं यहाँ पर मैं होल करूंगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा होल करने, बहुत बड़ा होल करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने होल कर दिया। नाउ नाउ वी नीड द जंप रिंग, दिस इज अ जंप रिंग, और ये टूल भी मैंने अमेज़न से लिए थे। इसको यूं लिया और ऐसे ओपन किया और इसके अंदर डाल दिया। मुझे थोड़ा सा केयरफुली इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा जो कोन वर्क है वो अभी वेट है, और इसको अभी ऐसे डाल के रख दिया। फिर मैंने आप लोगों को बोला था नेक्स्ट, थैंक यू सो मच कीर्ति। अब क्या है, या तो आप लोग ले लीजिए, अगर आपके पास है अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स हैं तो आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स ले लीजिए। मेरे पास कुछ इस तरीके का, मार्केट में जब मैं गई थी तो मुझे कुछ इस तरीके के मिल गए थे ये थ्रेड्स, तो इनको मैं लूंगी। इसको मैं कट कर रही हूँ, इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से है। बहुत ज्यादा फैंसी नहीं है, बट यस अगर आपके पास, अगर आपको मिल जाते हैं अगर आपको एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स मिल जाते हैं तो आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स को यूज करिएगा, क्योंकि उनमें थोड़ी शाइन होती है और वो सुंदर भी लगते हैं। देन इसका मैंने ऐसे सेंटर लिया और एक और जंप रिंग लेना है
इस जंपरिंग से क्या होगा कि ये एक साथ हो जाएगा। और टूल्स का जरूरत पड़ती है, मैंने टूल्स के बिना भी करने की ट्राई करा था, बट प्रेफरेबली अगर यू नो दीज आर वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स और टूल्स के साथ थोड़ा इजी हो जाता है। अब क्या करना है, इस पूरे को हमें जंपरिंग के अंदर करना है। ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगी इसको और आया पूरा इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से बंद कर दूंगी। ठीक है, ये जंपरिंग के साथ ये जो मेरा यहाँ पर आ गया है इसको मैं इसके साथ डाला और इस जंप प्रिंट को मुझे बंद करना है। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, थोड़ी सी मेहनत, और यूं लिया और इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डन, जो निकल गया उसको निकलने दो। और अब एक यहां पर मैं नॉट बांधूंगी। नॉट बांधने से क्या होगा कि ये इधर उधर नहीं घूमेगा। अगर नॉट नहीं बांधी तो जो पेंडेंट है वो इधर उधर घूमेगा। नाउ दिस इज डन एंड टडा, आप पेंडेंट, आप कस्टमाइज्ड पेंडेंट इज रेडी। हम यहाँ पर जो हमने बीड्स रेडी करे हैं उनको भी हम कलर करके हम इसके अंदर यहाँ पर लगा सकते। So I'll show you a few more examples what more you can do. This is one example. और बिल्कुल सेम तरीके से आप अपने आप earrings भी बना सकते हैं। तो ये मैंने पूरा सेट बनाया था, ये इसके साथ का सेट है, ये मैंने सिर्फ earrings बनाए हैं और बहुत सारा कुछ बनाया है। I'll show you. ये भी बनाया था मैंने, इसके ऊपर मैंने क्ले वर्क, पेंटिंग बहुत कुछ किया हुआ है, टेक्सचर वर्क बहुत सारा काम हुआ है इस वाले पेंडेंट के ऊपर। देन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी वन, वही मैंने बेस लिया है और बेस लेने के बाद मैंने इसके ऊपर मैंने जो 3D कोन्स होते हैं उनसे फ्लावर्स बनाए हैं और उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे जो स्टोन्स मिलते हैं उनको लगाया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड प्रिटी। और एक ये बनाया था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको सिर्फ सैंपल दिखाने के लिए किया है, यहाँ पर दिखा रही हूँ। अच्छा, अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसके अंदर मैं टैसल्स भी कैसे घर पर बना सकते हैं वो बताऊंगी। ये जो टैसल्स हैं ये भी मैंने घर पर ही बनाए हैं। सो दिस इज एंटायरली एट होम वर्क, दिस इज एंटायरली DIY। एंड एक ये बनाया था, अभी ये भी कंप्लीट नहीं है। सो दीज आर ओनली माय पेंडेंट्स, अभी सिर्फ इनके कैनवस पेंडेंट्स रेडी हुए हैं। So I hope guys this was useful for you, and if you like it do let me know, do subscribe to my channel, that is Junk to Beauty by Abha Arora, and let me know in the comments. Till then, bye bye, take care.